हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। सो जैसा कि आप लोग को पता है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी एबिलिटी है फ्लो होने की, कि फ्लो होता है अगर हम उसको थोड़ा भी फोर्स देते हैं तो। ठीक है, इसके पहले हम इसको जानते हैं कि ये वर्ड क्या है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जनरली एक प्रोसेस है, इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, एक आता है लोड, दूसरा आता है इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, कोई इंसान चल रहा है, उसको धक्का मार दिया, पीछे से वो गिर गया, तो हमने जो धक्का मारा वो हमारा लोड है और वो गिरा, वो उसका इफेक्ट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिक्स, और अब इस मैकेनिक्स को हम बात करेंगे फ्लूइड के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो लेट अस कंसीडर, या फिर हम कहते हैं कि हम फ्लूइड को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है। और ये है बाउंड्री। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी वाटर किसी न किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, चाहे हम ओशियन की बात करें, लेक की बात करें, या सी की बात करें, उसका बेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरफेस होता ही होता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो हमारा पाइप है उसके अंदर वाटर फ्लो करता है, तो वो भी तो सरफेस ही है ना, 360 डिग्री का उसके अंदर हमारा वाटर फ्लो करता है। लेकिन आप लोग ऐसा कहेंगे कि जो हमारे टैप से पाइप कनेक्ट रहते हैं, अगर उसको हम उसके निप पे उसको नोजल टाइप बनाते हैं तो हमारा वाटर जेट की तरह निकलता है, जो ऊपर जाता है तो वो किसी कांटेक्ट में नहीं रहता, लेकिन वो आता तो नीचे ही है ना, वो भी सरफेस के कांटेक्ट में ही आता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर एक चीज़ मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। ऐसे हमारा वाटर है, वाटर के अंदर ही हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक है जैसे ये हमारा है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं बाउंड्री। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि हर एक चीज़ बनती है मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत ही विचित्र होते हैं। मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक होता है फोर्स, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फोर्स से, हमको दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, चाहे हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, लेकिन हम यहाँ फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिक्विड की बात करेंगे। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं, बॉन्ड से, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, तो हम
अब किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अभी बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्लो की, स्टैटिक फ्लो की जो फ्लूड रेस्ट में है। ठीक है, तो हमने अभी एक स्टडी किया कि हम एक लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या फिर फ्लूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि अभी स्टैटिक है, अभी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है। तो पहले हमें उसके बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। ठीक, देखिए आप लोग, प्रेशर जो वाटर के अंदर लगता है उसको बोलते हैं लोग इंटरनल प्रेशर। और जो प्रेशर हमारा बाहर से लगता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको कैसे किताब एटॉमिक के नाम से दर्ज करता हूँ। तो जो प्रेशर, जो उस वाटर का सरफेस फ्री है, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके ऊपर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ठीक है, और हम लोग उसको फ्री सरफेस कहते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं, जैसे कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो कॉन्टैक्ट के सरफेस में होता है। कॉन्टैक्ट सरफेस में होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, इन अ पाइप इन अ वाटर फ्लोस It always surrounded by a 360 degree surface. Okay. Water का जो free surface होता है, उस पर हमारा लगता है एटमोसफेयरिक प्रेशर। ठीक है, और लास्ट चीज, जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, हम वो हमेशा शीयर फोर्स के अलॉन्ग में फ्लो करता है। शीयर फोर्स उसके ऊपर लगता है, जब वो शीयर फोर्स के कॉन्टेक्ट में आता है तभी फ्लूइड फ्लो करता है। अब हम लोग बहुत ही डीप स्टडी करेंगे फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो बनती है मॉलिक्यूल्स। बिना मॉलिक्यूल्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से ही कोई भी शेप बनता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो सॉलिड का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो लिक्विड का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो गैस का स्ट्रक्चर हो। डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, उस बॉडी की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि फ्लूइड के अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम फ्लूइड ले लिए, हम बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं, ओके। हाँ, हमने कहा था आपसे कि फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक चीज़ और, जो फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा माना गया है। साइंटिस्ट ने कहा है कि इन अ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड यूनिफॉर्मली लेयर बाय लेयर। जैसा कि इनको पता है कि हमारे जो फ्लूइड्स होता है वो लेयर में डिफाइंड होते हैं, वो लेयर्स में होते हैं।
वो लेयर्स में होते हैं, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। तो हर एक लेयर्स में मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, और एक स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं जो हमारा एक फ्लूड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे फ्लूड के बारे में। सो सपोज करिए कि हम अपने फ्लूड के ऊपर, हम अपने फ्लूड के ऊपर एक शेयर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स आपको पता ही क्या होगा, शेयर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर फोर्स। तो किसी भी फ्लूड के ऊपर अगर हम एक शेयर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा फ्लूड मूव करता है, ठीक है, हमारा फ्लूड मूव करता है। तो मूव करने का मतलब ये है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे फ्लूड्स के उसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो कि बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे ना तो हमारा फ्लूड आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि हम अपना एक हम एक अपना मॉलिक्यूल्स का ग्रुप लेकर चलते हैं, हम एक ग्रुप की बात करते हैं। तो सपोज करिए हमारा पहला मॉलिक्यूल्स आगे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा पहला मॉलिक्यूल्स आगे जाने की कोशिश करेगा ना, तो क्या है कि हमारे इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल्स भी जुड़ा हुआ है इससे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से, ठीक। तो अब ये क्या करेगा ना, जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है वो चाहेगा कि मैं इसको भी खींचूँ, इसकी वजह से, क्योंकि जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में है ना, इसकी वजह से। तो अब ये क्या करेगा ना, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब आगे की तरफ, इसको आगे तरफ इसको ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये आगे तो जाएगा लेकिन बहुत ही कम जाएगा, उतने स्पीड में नहीं जाएगा लेकिन जाएगा। और अब ये कहोगे ना, जब ये आगे जाएगा ना तो ये चाहेगा कि जो इससे जुड़ा हुआ है वो भी आगे की तरफ जाए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आगे मूव करेगा, और फिर ये सेम प्रोसेस होगा, ये भी फिर अपने नीचे वाले को खींचेगा और ये फिर अपने नीचे वाले को। और जो हमारा लास्ट मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारा बाउंड्री से अटैच होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये बाउंड्री से इतना ज़्यादा अटैच होता है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। तो ये क्या करता है ना, इन सारे फोर्सेस को अपोज करता है। तो ये आगे न जाने के बजाय जो मॉलिक्यूल्स इसको आगे ले जा रहा है ना, उनको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो वाटर फ्लो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वाटर के डेप्थ में आएंगे ना, हमारी वेलोसिटी कम होती जाती है वाटर की। जैसे जैसे हम डेप्थ में आएंगे वेलोसिटी कम होती जाती है वाटर की। और हम ये मानते हैं कि जो हमारा बेस होता है ना, यहाँ के वाटर्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, ये वाटर्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाटर स्टेबल होते हैं, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि ये बाउंड्री से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्टैटिक वाटर। सरफेस डाउन वाले जो ऊपर होते हैं ये मूव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, हमारी वेलोसिटी जो होती है वाटर की घटती जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग शीयर रेजिस्टेंस, शीयर रेजिस्टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, और या फिर कह लें कि हम लोग इसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं। विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स होता है जो कि वाटर को आगे जाने से रोकता है। जैसे हम अगर रोड के ऊपर चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन लगता है, ऐसी वाटर सरफेस के अंदर विस्कोसिटी लगती है। विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन को हम बोले ना, सिचुएशन के हिसाब से हम हर चीज़ों को अलग अलग से देखते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी फोर्स है, या फिर हमारा शीयर रेजिस्टेंस है जो इस वाटर को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा सरफेस का जो वाटर होता है तेज मूव करता है, उससे जो थोड़ा नीचे हो थोड़ा कम तेज मूव करता है, जो उससे नीचे होता है वो उससे कम, धीरे धीरे नीचे आते आते हमारी वेलोसिटी जीरो होती जाती है। इसलिए हमारा ये मूवमेंट होता है वाटर का, ओके। अब हम आगे बात करते हैं जिसमें कंडीशंस क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हर एक चीज़ जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। तो आइए हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल वाटर का, और इसके बीच में हमारा बॉन्ड लगा हुआ होता है,
तो जैसे हम इसके ऊपर शियर फोर्स लगाए ना, तो क्या हुआ ना कि हमारा ये वाटर ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये आया लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे आया, ये भी आया, ये थोड़ा पीछे आया, थोड़ा पीछे, और ये तो आया ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं किया, ये इन लोगों को अपोज कर दिया। तो ये हम इसको मिलाएंगे ना, तो ये रहा कुछ ऐसे मूवमेंट होता है वाटर का। तो हमारा बेस का मॉलिक्यूल होता है ना वो हमेशा सेम होता है, ठीक है ना, ये हमारा होता है अरेंजमेंट। और ये जो हमारा एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। और ये सेम प्रोसेस होता है, एक कुछ समय पहले ये T1 पे था, फिर T2 पे आ गया, फिर T3 पे आ गया। तो ये हमारा नीचे का मॉलिक्यूल सेम रहा, लेकिन ये क्या हुआ ना, ये ऐसे हुआ, फिर ये थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये थोड़ा और आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, ये हमारा होता है वाटर फ्लो का प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो, कि जो हमारा वाटर फ्लो करता है ना वो इसी तरह फ्लो करता है, ठीक है। इसके हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं, मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर बॉन्ड होता है जो इनको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे हमारा ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है फ्री है तो वो आगे जाएगा, लेकिन इससे नीचे नीचे वाला जुड़ा रहता है तो वो चाहता है इसको रोके, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा पावर लगता है ना कि ये इसको भी खींच लेता है। तो ये जब जाता है तो इसके नीचे खींचता है, फिर ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, और ये खींचता ही नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री से अटैच्ड है, बाउंड्री से अटैच्ड है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना फिक्स रहता है, ये आगे नहीं जाता है। हम इसके अंदर दो टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा एंगल चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं थीटा बाय डीटी, मीन्स चेंज इन ग्रेडियंट, सॉरी चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से हमारा एंगल चेंज होता जाएगा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और जैसा कि बात करते हैं कि हम वाटर सरफेस के नीचे से हाइट को मेजर करते हैं, हमेशा किसी भी सरफेस के नीचे से हम लोग मेजर करते हैं ऊपर की तरफ, उसे हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा वाई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारा हाइट होता है। सो अभी हमने आपसे कहा कि जो हमारी वाटर होती है ना, वाटर जो हमारे फ्लूइड लिक्विड्स होते हैं, अगर हम के ग्राउंड से मेजर करेंगे, ग्राउंड से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते हैं ना, तो हमारी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी वेलोसिटी जो है घटती जाती है। तो हमने कहा ना आपसे कि इसको हम लोग बोलते हैं dy/dt, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं du/dy, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।